इस बीच बिहार के मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस की बेहद शर्मनाक करतूत यहां देखने को मिली है। एक शव को डंडे के सहारे कैसे कुछ पुलिसकर्मियों ने नहर में फेंक दिया, हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, शर्मिंदा कर देने वाली ये सब तस्वीरें सामने आई है। पुलिस की करतूत देखिए जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये पुलिस का बेहद अमानवीय चेहरा देखने को मिला बिहार के मुजफ्फरपुर में, जहां दुर्घटनावश किसी शख्स की मौत हो गई थी और पूरे मामले की जांच करने के बजाय, उस शख्स की पहचान करने के बजाय, इस पूरे मामले में छानबीन आगे बढ़ाने के बजाय पुलिस ने लाठी के सहारे देखिए कैसे सड़क के ऊपर से, आप देख पाएंगे तीन वर्दीधारी जवान हैं, वो नहर के उस पार शव फेंकते नजर आ रहे हैं, यानी कि मामला देनेन्देर रफा दफा करते नजर आ रहे हैं और बेहद शर्मिंदा कर देने वाली ये करतूत पुलिसकर्मियों की बिहार में सामने आई है। नीतीश राज में जिंदा तो जिंदा, देखिए मुर्दों का भी सम्मान नहीं होता, शव से कैसे अत्याचार किया गया। सवाल यही उठता है कि क्या पुलिस को इस पूरे वाक्य की जानकारी थी, पंचनामा क्यों नहीं किया इस पूरे मामले में, शव को पोस्टमार्टम के लिए क्यों नहीं भेजा, बसम्मान बकायदा जिस तरीके से शव का पहले मेडिकल करवाया जाना चाहिए था। इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन थाना प्रभारी से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की उन्होंने क्या जवाब दिया ये आपको सुनवा देते हैं। पहले दिनांक 8/10/2023 को फकली ओपी अंतर्गत NH-22 के पास ढोही पुल है, उस पर ट्रक के द्वारा एक दुर्घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। दुर्घटना के क्रम में जो है उस व्यक्ति की लाश काफ़ी छत विछत अवस्था में थी और कुछ उसका हिस्सा ट्रक के भीतर भी फंसा हुआ था। उस लाश का जो मुख्य भाग था उसे पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया SKMCH, और जो उसका कपड़ा वगैरह उसमें हल्का फुल्का फंसा हुआ था और भी थोड़ा बहुत जो पार्ट था, वहीं पुल के नीचे नहर है उसमें थाने के कर्मियों के द्वारा जो है उसमें गिरा दिया गया है। इस संबंध में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी जांच की गई है, जांच में जो भी दोषी पुलिसकर्मी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की अनुशासन। तो ये थानाध्यक्ष को आपने सुना और इस वक्त हमारे संवाददाता फोन लाइन पर साकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। साकेत, पहले विस्तार से पूरा माजरा समझाइए कि जिसका शव था, कैसे हम पुलिसकर्मियों को देख पा रहे हैं कि पूरे शव को नहर में फेंकते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ थाने अध्यक्ष सफाई दे रहे हैं कि एक हिस्सा पोस्टमार्टम के लिए भेजा, माफ कीजिएगा जो DSP थे वो कह रहे हैं कि एक हिस्सा पोस्टमार्टम के लिए भेजा, बाकी सारी चीजें जो हैं शव के कपड़े और कुछ टुकड़े वो नहर में बहा दिए, महज सफाई भर है लेकिन करतूत बेहद शर्मनाक है पुलिस की है। देखिए बिल्कुल ये अमानवीय चेहरा है पुलिस का, क्योंकि आप देखिए जो वीडियो लगातार दर्शकों को हम दिखा भी रहे कि किस तरह से जो शव वहां पर गिरा हुआ था, जो एक्सीडेंट में जो बताया जा रहा है फकुली थाना ओपी क्षेत्र है ये, जहां पर ये घटना घटी थी हाईवे पर, ट्रक से एक्सीडेंट के बाद एक शख्स की इस तरह से मौत हुई थी और उसका जो शरीर का जो पार्ट है उसको किस तरह से नहर में फेंका जा रहा है पुलिस कर्मियों के द्वारा, वो अपने आप में सवाल उठाता है कि किस तरह से यहाँ पर स्थिति, और खास करके DSP कह रहे हैं कि जो उसका ऊपर का जो पार्ट था जो थोड़ा सही सलामत था उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, लेकिन बाकी के जो पार्ट्स थे बॉडी के, जैसे कि पैर की तस्वीर भी दिख रही है इस वीडियो में, उसे किस तरह से नहर में फेंका गया। मानते हैं कि अगर बहुत बुरी तरह से भी एक्सीडेंट होता है और शरीर का पार्ट अगर सड़क पर चिपक भी जाए तो उसको आप कैसे नहर में फेंक सकते हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उसको बजाबता उसकी मेडिकल जांच होने के बाद उसको बजाबता आप संस्कार, दाह संस्कार उसका कर सकते हैं, उसको उसकी निश्चित तौर पर साकेत। और देखिए एक पुलिसकर्मी नहीं, तीन पुलिसकर्मी लाठी के सहारे कैसे, मतलब शव छूने में भी उन्हें शायद वहां पर काफी तकलीफ हो रही है कि लाठी के सहारे वो फेंक रहे हैं। सवाल यही उठता है कि भले ही पुलिस के लिए लाश हो, डेड बॉडी हो, मामला हो, लेकिन पूरी जांच बढ़ाते आगे छानबीन करते अगर शिनाख्त होती इस शख्स की डेड बॉडी की तो किसी के घर का चिराग होता, किसी का बेटा, किसी का पिता, वो अब तक पुलिस साफ नहीं कर पाई है कि कौन है। कम से कम वो इतना तो चाहते हैं कि अंतिम क्रियाएं जो हैं वो सही तरीके से पूरे डेड बॉडी की कर सके।
देखिए बिल्कुल, जो शख्स है उसकी शिनाख्त सबसे पहले जरूरी है कि आखिर वो कौन है, कैसे आप किसी के बॉडी को, अगर एक्सीडेंट में किसी की मौत हो जाती है सड़क पर तो आप कैसे उसको नदी में फेंक सकते हैं जबकि उसकी शिनाख्त ही नहीं हुई, क्योंकि उसके घर के लोग भी हैं जो कि उसे ढूंढेंगे, कहाँ गया, क्या है, नहीं है, सारी जानकारी पुलिस के पास होनी चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति दिखी नहीं। और आप साफ देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से अमानवीय चेहरा जो है वो साफ तौर से पुलिस का यहाँ पर दिखा है। सवाल अब इस पर ये उठ रहा है कि आखिर जब एक्सीडेंट होता है और वो भी थाना जो हाईवे है उसके बगल में ये थाना है वहां पर ये एक्सीडेंट होता है और पुलिस उस, हो सकता था कि एक्सीडेंट में अगर ट्रक से एक्सीडेंट किसी शख्स का हुआ है तो स्थिति बुरी हो सकती है कि छत बिछत बॉडी हो, लेकिन क्या आप उसको समेट कर एक साथ कहीं ले जाकर मेडिकल नहीं करा सकते हैं या उसका जो अंतिम संस्कार है वो नहीं कर सकते हैं मेडिकल के बाद? तमाम ऐसे सवाल है जो कि पुलिस पर उठ रहे हैं। बिल्कुल साकेत, देशभर में देखिए कई सड़क हादसे होते हैं, बिहार में तो खैर खासतौर पर जब ऐसे हादसे होते हैं मामले का संज्ञान लेने के बजाय अगर पुलिस ऐसा करने लगे कि वहीं शव को रफा दफा कर दे तो निश्चित तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बिहार के मुजफ्फरपुर से ये पूरी जो वारदात थी ये हमने आपको दिखाई।